प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में अपराध कानून की धुरी है। इसे आम बोलचाल में सीआरपीसी भी कहते हैं। 1973 में आए इस कानून को 1974 में लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता को समझने के लिए एक आम इंसान के व्यवहार को समझना जरूरी है, यानी हमारे आपके। देश का कानून हमें नकारात्मक काम या हरकतों से परहेज करने को कहता है। ये काम अपराध की फेरिस्त में आते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को फिर सजा भुगतनी पड़ती है, इसे दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध श्रेणी में माना गया है उनका ब्यौरा दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। सीआरपीसी के मुताबिक अपराध की स्थिति में पुलिस जांच के दौरान दो प्रक्रियाएं अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी से संबंधित होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की खास धाराएं क्या है, आइए देखते हैं। धारा 41B, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41D, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 51, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 55A, अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे गिरफ्तार करने वाले की होगी। धारा 58, इस धारा के अनुसार थाना पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट देगी, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत हुई हो या नहीं। धारा 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार का लिखित वायदा। धारा 109, संदिग्ध और आवारागर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए लिया गया वायदा। धारा 144, ये धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जहां ये धारा लगाई जाती है वहां चार या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 151, ये धारा सुनियोजित केसों में पहले ही गिरफ्तारी कर अपराधों पर लगाम लगाती है।